हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चमकते सितारे। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी के दौर में कहीं भी कोई फॉर्म भरना हो या किसी योजना में रजिस्ट्रेशन करना हो, अक्सर हमको हमारी ईमेल आईडी और कई बार हमारे विद्यालय की ईमेल आईडी दर्ज करना पड़ता है। ऐसे में आज हम सीखेंगे कैसे अपनी पर्सनल ईमेल आईडी और अपने विद्यालय की यूडाइस कोड के साथ ईमेल आईडी बनाया जाए। तो इंतज़ार किस बात का, शुरू करते हैं सीखने सिखाने का सफ़र। दोस्तों, ईमेल आईडी बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं, लेकिन क्रोम में आप ओपन करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं और फिर सर्च बार में हम लिखते हैं gmail.com और सर्च कर देते हैं। अब अगर आप पहली बार इस क्रोम पर जीमेल खोल रहे हैं दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पर हमको दोस्तों देखिए, ये नीचे लिखा हुआ है यूज़ द वेब वर्जन, यहाँ पर हमको क्लिक करना है। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, हमारी ईमेल आईडी जो पहले से खुली हुई होगी इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, अब हम दोस्तों यहाँ पर देखिए इस 3 lines को टच करेंगे। यहाँ पर ये 3 lines जो हैं, इसको आप टच करिए। इसको टच करते ही दोस्तों फिर देखिए जो हमारी ईमेल आईडी खुली हुई है वो दिख रही है, इसको हमें टच करना है। इसको टच करते ही दोस्तों फिर देखिए ये ऐड अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आप ऐड अकाउंट पर क्लिक करिए। ऐड अकाउंट को टच करते ही अगली स्क्रीन पर दोस्तों देखिए ये क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको टच कर दीजिए क्रिएट अकाउंट, और यहाँ पर चूज़ कर लीजिए फॉर माई सेल्फ ये वाला ऑप्शन। ठीक, अब दोस्तों ये क्रिएट योर गूगल अकाउंट, ये देखिए पेज खुल गया है। अब हमको अपने विद्यालय का ईमेल आईडी यहाँ पर बनाना है। और दोस्तों, यदि आपकी जीमेल आईडी पहले से नहीं उसमें गूगल क्रोम में आपकी ओपन हुई है, तो gmail.com लिखते ही कुछ इस तरीके से स्क्रीन आएगी, आप देख सकते हैं। जैसे ही आप सर्च बार में gmail.com लिखेंगे कुछ इस तरीके से स्क्रीन आएगी। अब हमको यहाँ पर दोस्तों ये देखिए साइन इन का ऑप्शन बना हुआ है, इसको हमें टच करना है। साइन इन जैसे टच करेंगे दोस्तों देखिए ये पुरानी स्क्रीन आ गई उसी तरीके से। क्रिएट अकाउंट यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, फॉर माई सेल्फ करेंगे, और ये देखिए क्रिएट अकाउंट वाला पेज आ गया है। मतलब कुल मिला के दोस्तों हमें इस पेज पर पहुँचना है, क्रिएट योर गूगल अकाउंट वाले पेज पर। अब दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम लिख देंगे फर्स्ट नेम में। अब दोस्तों लास्ट नेम में अपने विद्यालय का दूसरा, मतलब जैसे आपके विद्यालय के नाम में अगर 2 शब्द हैं दोस्तों, तो फर्स्ट नेम में पहला शब्द और लास्ट नेम में दूसरा शब्द आप डाल देंगे। और यदि जैसे आपके विद्यालय का नाम एक ही शब्द का है, तो फिर आप यहां पर अपने ब्लॉक का नाम डाल देंगे, क्योंकि लास्ट नेम मस्ट है दोस्तों, बिना लास्ट नेम डाले आईडी नहीं बन पाएगी। अब देखिए अगले टैब पर दोस्तों हम आ गए हैं यूज़र नेम में। यही हमारे विद्यालय की ईमेल आईडी होगी और इसी में हमको यूडाइस का इस्तेमाल करना है। तो इसमें हम इस तरीके से अपने विद्यालय की आईडी बनाएंगे, जैसे अगर प्राइमरी है तो आप पीएस डालेंगे और अपर प्राइमरी है तो यूपीएस। अब जैसे हमने यहाँ पर पीएस डाल दिया, ठीक है, उसके बाद अपने विद्यालय का नाम डाल दीजिए। उसके बाद दोस्तों फिर आप अपनी यूडाइस कोड को विद्यालय के यहाँ पर आगे डाल दीजिए इस तरीके से, PSEC4, फिर उसके बाद हमने विद्यालय का यूडाइस कोड डाल दिया है। अब ये मोस्ट प्रोबेबली अवेलेबल होगी दोस्तों, जैसे ही आप अगले टैब पर पासवर्ड के जाएंगे, यदि ये अवेलेबल नहीं होगा तो लिख के आ जाएगा कि दिस आईडी इज़ नॉट अवेलेबल। तो आपको फिर अपनी उस आईडी में थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस करने होंगे, कुछ आगे स्पेशल कैरेक्टर वगैरह कुछ आप लगा लेंगे तो ये मिल जाएगी। वैसे मोस्ट प्रोबेबली यूडाइस कोड के साथ और विद्यालय का नाम आप अटैच करेंगे तो वो आपको आईडी मिल जाएगी। अगला टैब है दोस्तों पासवर्ड का। यहाँ पर पासवर्ड आप कोई भी बना सकते हैं, यहाँ पर कंपल्सन नहीं है कि स्मॉल हो और कैपिटल हो, नंबर्स हो, स्पेशल कैरेक्टर हो, कोई ज़रूरी नहीं है। आप कुछ भी यहाँ डाल सकते हैं, आप अपना मोबाइल नंबर सिंपली डाल सकते हैं या आप जो है सिंपल सा कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड एक बार एंटर करने के बाद दोस्तों देखिए फिर ये कन्फर्म के लिए आ रहा है, उसी में फिर से वही पासवर्ड आप एंटर कर देंगे। इतना करने के बाद दोस्तों हमको ये देखिए ये बगल में नेक्स्ट टैब बना हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है।
इस पर क्लिक करते ही दोस्तों अगली स्क्रीन खुलेगी। यहाँ पर हम अपना एक मोबाइल नंबर डाल देंगे। ये मोबाइल नंबर डालना दोस्तों ज़रूरी भी है, क्योंकि कभी हम पासवर्ड अपने विद्यालय आईडी भूल जाते हैं तो इसी मोबाइल नंबर पर ही ओटीपी आएगा और हम फिर से अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। नंबर डालने के बाद दोस्तों फिर से हमको ये नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और हमारे मोबाइल पर एक ओटीपी आ जाएगी। उस ओटीपी को यहाँ पर हमको दर्ज कर देना है। ओटीपी एंटर करने के बाद दोस्तों ये वेरीफाई के बटन को आपको टच कर देना है। अगली स्क्रीन पर दोस्तों देखिए ये पूछ रहा है रिकवरी ईमेल के लिए। ये ज़रूरी नहीं है, इसको आप रहने देंगे। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ अगर आपको अपने विद्यालय का स्थापना वर्ष मालूम है तो वही डाल दीजिएगा, वरना आप अपनी भी डेट ऑफ बर्थ इसमें डाल सकते हैं। और अगले में दोस्तों ये जेंडर पूछ रहा है, इस जेंडर में दोस्तों हमको रादर नॉट से ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे कि हम जो है नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि ये हम अपने विद्यालय की आईडी बना रहे हैं तो इसमें हम क्या जेंडर बताएँगे। उसके बाद दोस्तों ये नेक्स्ट वाला टैब हम क्लिक कर देंगे। अगली स्क्रीन पर दोस्तों कुछ इस तरीके से आएगा और हमको यहाँ पर बस यस आई एम इन कर देना है, इस पर क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करते ही दोस्तों कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी, इनको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर ये देखिए आई एग्री का बटन है, इस पर आप क्लिक कर देंगे और अगली स्क्रीन पर हमारी ईमेल आईडी कंप्लीट हो चुकी है। अगली स्क्रीन दोस्तों कुछ इस तरीके से आएगी। यहाँ पर हमको देखिए ये यूज द वेब वर्जन, इसको हमको क्लिक कर देना है। ये दोस्तों हमारा विद्यालय का ईमेल आईडी बन चुका है। ये देखिए पहला मेल भी आ गया है गूगल की तरफ से, वेलकम ईमेल पीएस ईसीपुर के नाम से। और बैक जाके दोस्तों ये देखिए हम अपने विद्यालय की ईमेल आईडी भी देख सकते हैं, ये पीएस ईसीपुर और विद्यालय के यूडाइस कोड। अब जहाँ कहीं भी जिस भी योजना में हमारे विद्यालय की ईमेल आईडी मांगी जाएगी तो हम यहाँ इस ईमेल आईडी को वहाँ पर दे सकते हैं। दोस्तों जीमेल आईडी क्रिएट करने का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है, उसको आप क्लिक करके डायरेक्टली भी अपना ईमेल बना सकते हैं जीमेल का। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यूज़फुल रही होगी। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए, जिससे इस वीडियो को और भी बेहतर तरीके से बनाया जा सके। इसी तरीके के सीखने सिखाने के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक चमकते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है, खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू।